भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई, थैंक यू सो मच। ये तो मुझे लग रहा है मेरे लिए था। सबका प्यार होता है, गिफ्ट छोटे बड़े नहीं होते। वो डब्बा छोटा है और वो बड़ा है, बाकी अंदर से सबको दिल से रिस्पेक्ट है। जो आए जिन्होंने टाइम दिया वो हमारे लिए बहुत खास है। और मेरे बच्चों के लिए दो दो। चीकू के पापा ही बचपन में डॉक्टर खेलते थे। भाई कितनी साइकिल, फिर एक ये पुपड़ी है। तेरी पजल दी भैया की मैं पजल हो गई। दो गाड़ी होगी पापा मेरे पास। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो भाई बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जितने हमारे फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, उनके गिफ्ट की करने वाले हैं भाई हम अनबॉक्सिंग। तो गाइस सच में इतने सारे गिफ्ट, और लोग, मैंने सोचा था, मैंने बहुत लोगों को इन्वाइट किया था। मुझे लगा 100-150 लोग तो आ जाएंगे, मुझे लगा जगह कम पड़ेगी, पर आधे लोग नहीं आ पाए। पर जितने लोग आए बहुत दूर दूर से आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे। फैमिली मेंबर्स जा चुके हैं घर, सुनीता दीदी बची हैं बस। तो सुनीता दीदी आप भी आ जाओ, यहाँ पे करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं लिफाफे जिन जिन ने दिए। तो गाइस यहाँ पर आए हैं कुछ शगुन के लिफाफे जिनमें है ढेर सारा प्यार। तो सबसे पहले सबके नाम पढ़ देते हैं। ये वाला है मम्मी का, नेक्स्ट है धीरज भैया का और नंदू भैया का, ये वाला है सोनिया सेठी का, ये वाला है योगेश भैया का, और ये है स्वैंकी का, और एक और लिफाफा है अंदर रखा हुआ, वो है अफसाना का। फिर बात करता हूँ मेरे नाना के गिफ्ट से। तो देखते हैं गाइस इसमें क्या निकलेगा। देखते हैं अंदर जाते हैं, बहुत ही प्यारे से, क्या बोलते हैं, नजरिए कड़े लेके आए मामा, बहुत सुंदर। और शगुन का लिफाफा वो लगा। तो गाइस नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट जो कि दिया है बच्चे की मासी ने, पूजा मासी ने दिया है जैद को, ओम का पेंडेंट। तो नेक्स्ट है शगुन का गिफ्ट जो कि बहुत ही प्यारा गोल्ड का ब्रेसलेट है और छोटे छोटे दो कदम बने हुए हैं, बहुत सुंदर है। तो भाई नेक्स्ट गिफ्ट है मेरे पास अनूप भैया और आकांक्षा का, जिनको मैंने ऑन द स्पॉट बुलाया था और वो आ गए थे, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने मेरे बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, सबसे पहले पैकेट से निकाल लेती हूँ। तो ये है बहुत ही प्यारे से नजरिए जैद के लिए, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद है, क्योंकि जैद को बहुत ज्यादा नजर लगती रहती है, तो चांद सूरज और हाय। उसके बाद एक और है, वो भी दिखा देती हूँ। वाओ बहुत ही सुंदर गले का हाय का पेंडेंट बना के दिया है उन्होंने, ताकि उसको नजर ना लगे। थैंक यू सो मच अनूप भैया और आकांक्षा। ये चार गिफ्ट और बहुत सारे कपड़े लेके आई है मुस्कान दीदी, मैं करूंगा सबकी अनबॉक्सिंग। तो वन गिफ्ट जो चीकू का गिफ्ट, अरे ये तुबा के लिए भाई, तुबा का बहुत स्पेशल गिफ्ट है। देखिए चीकू कैसे डॉल है, कैसे पता मेरे को, पता ये डॉल है तुझे, कैसे पता मेरे को पता है। चल देखते हैं अंदर क्या निकलेगा। डॉल है, डॉल शेप से बस है ना। वाओ बहुत सुंदर डॉल है भाई, इतने लंबे बाल, मेरी तुब्बा के भी हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ, बहुत लंबे बाल हो जाए। अच्छा ये है हमारे जैद के लिए, चलो जी जैदू का गिफ्ट खोलो। और ना बहुत सारे कपड़े भी यहाँ पे है ना, क्या हुआ ना सबके गिफ्ट एक के ऊपर एक इधर उधर हो गए हैं, तो जैसे जैसे गिफ्ट हमें मिलते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम सबके नाम बताते जाएंगे। अच्छा वाओ डाइनिंग चेयर, अरे कुछ नहीं, मेरे को लग रहा है ये भी है, झूले वाला भी है। वाओ इसको झूले को लटकाना पड़ेगा, चीकू पापा लटकाएंगे क्योंकि वो चीकू के लिए भी उन्होंने लटकाया था। तो मैं भी झूलू? नहीं बेटा ये दोनों तीनों भाई के लिए छोटे, तू झूल चुका, खुश हो गई, ये झूले के लिए खुश हो गई। तो गाइस ये दी है मुस्कान ने बहुत ही ज्यादा सुंदर सी डाइनिंग चेयर, साथ में झूला। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट है। बीच बीच में मैं थैंक यू करता रहूंगा क्योंकि मैं आज कैमरे के पीछे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा कैमरे के आगे रहे। तो गाइस यहाँ पे दो गिफ्ट और है, वो भी आकांक्षा अनूप भैया की तरफ से है। तो ये मेरे ख्याल से ना ऐसे पंचिंग बैग है, तो ये स्पेशली लगता है चीकू के लिए क्योंकि इसको बहुत पसंद है बॉक्सिंग, और एक बहुत ही प्यारा सा मिठाई का डब्बा है, थैंक यू आकांक्षा। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही सुंदर पैकेट में और चार गिफ्ट है, और ये गिफ्ट है हमारी मुस्कान के, तो खोल देते। तो भाई बहुत सुंदर कर शर्ट और अंदर की सैंडो का सेट है हमारे जैद के लिए, और मुझे लगता है सेम ही आयान के लिए भी होगा क्योंकि हम हमेशा सेम पहनाते हैं, बस कलर का डिफरेंस है, सेम है दोनों का। और एक है फ्रॉक हमारी तुबा के लिए, और ये कलर तुबा के पास नहीं है, शायद मुस्कान ने सारे कपड़े देख रखे हैं। इतना सुंदर सा पर्स भी है साथ। तो भाई बहुत सुंदर है कपड़े, मुस्कान अपनी अपनी तरह बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लेके आई है। तो भाई अगला गिफ्ट आया है सुनीता दीदी की तरफ से और चिराग भैया की तरफ से, तो ये वाला गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा मुझे लग रहा है फोटो फ्रेम एंड मिरर है, ये फोटो फ्रेम है और इसके अंदर हमारी फोटो भी लगी हुई है, मैं वाओ बहुत प्यारा है। तो ये वाला जो गिफ्ट है ना चिराग भैया ने भेजा, मुझे बहुत स्पेशल लगा, तो ये मैं अपने रूम में रखूंगी, और हमारे रूम में ऑलरेडी ऐसी फोटो लगी हुई है बड़ी, बहुत सुंदर, थैंक यू भैया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना कपड़े हैं तीनों बच्चों के। तो बिल्कुल सही कहा, तीनों बच्चों के कपड़े हैं। तो अभी एक जोड़ा साथ में सारे दिखाती हूँ, एक बार खोल लूँ। बिल्कुल सही है तूबा की, और ये वाली होगी अयान्या जैद की। हाँ, तो तीनों बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे गिफ्ट दिए हैं बुआ की तरफ से। तो ये गिफ्ट है बच्चों की चच्ची का, तो खोल लेते हैं। चीकू खोल दो चच्ची का गिफ्ट। कौन सी चच्ची? अच्छा, कौन है चच्ची? निक्की चच्ची। निक्की चच्ची, बहुत सुंदर से कपड़े होंगे। सही संभाला, सही पहचान। टेप लगी हुई गाइस, टेप खोलनी पड़ेगी। तू दे दे भाई मुझे। चलो जी, वाओ, तूबा के लिए है बहुत सुंदर सी फ्रॉक। ये फ्रॉक मैं देख के आई थी, पर मैं देख के नहीं आई। मैंने कभी कपड़े बहुत सारे, पर जो चीज मांगते हैं ना वो घर में आ ही जाती है। तो ये भी चीकू की चच्ची है निक्की। देखते इसमें क्या दिया उसने जैद के लिए। तो भाई यहाँ पे दोनों भाइयों की एक जैसी ड्रेस है, ये भी हमने देखी थी पर ली नहीं थी। चलो निक्की ले आई, अब दोनों को एक साथ पहनाएंगे। बहुत प्यारा चॉइस है निक्की की। वेरी नाइस। तो भाई अगला गिफ्ट है जतिन भाई और उनकी पूरी टीम की तरफ से। तो मैं दिखा देती हूँ, ये जितने भी प्लेनेट वाले गिफ्ट है ना, सारे जतिन भाई की तरफ से है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम शुरू करेंगे भैया यहाँ से, अपना थोड़ा अंदाज अलग। तो भाई ये है बच्चों का ब्लैक बोर्ड, पहले हम स्कूल में देखते थे और आजकल घर घर में हो गए हैं और इस पर बच्चे पढ़ाई सीखने वाले हैं। जैसे भाई फ्यूचर का पहले ही सोच लिया तो भाई इनको पढ़ाई सिखाएंगे, इसी सिखाएंगे इस पर, ठीक है। तो ये हम खोलेंगे नहीं, खोलने के बाद तो क्या ना खराब हो जाएगा, क्योंकि चीज को खराब कर देता है। हम इसको आपको वैसे ही दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा है। तो भाई बहुत ही प्यारा सा पियानो, मजेदार सा। जब बच्चे रोएंगे तो हम इससे चुप कराएंगे। अच्छा, आपके बर्थडे पे भैया ने वो दिया था हारमोनियम, बच्चों को दिया है पियानो। म्यूजिक की तरफ ले जाना चाहते हैं बच्चों को। तो भाई क्योंकि ना बच्चे भी छोटे हैं तो उनको ऐसा फोन दिया है जो घर में मिलता रहे, घर में शोर करते रहे, बाहर ये कहीं डायल ना कर। अरे ये वही वाला वो है जब जैद खेल नहीं रहा था ऐसे टून टून टून। मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि जैद को टॉय बड़ा अच्छा लगा है, तो शायद ब्लॉग देखा होगा वहाँ भी। भाई एक और गिटार, ये उसके लिए अयान और जैद के लिए, दोनों के लिए, छोटे है ना। मुझे लगता है सुबह के लिए भी होगा। तो बच्चों का बर्थडे हो तो सबके लिए गिफ्ट आते हैं। पर ये चीज फाइल है, अनबॉक्सिंग में चाहता हूँ। चीकू अपने प्यारे प्यारे हाथों से कर। एक और गिटार सुबह के लिए, ये है हमारा कुछ गाड़ी। वाओ, ये भी बच्चों का टॉय है। तो गाइस यहाँ पे टर्न आ गई है नीतू मासी की। और देखो मतलब कि मुझे कोई भी चीज चाहिए होती है ना, मैं सिर्फ बताती हूँ कि मुझे ये चीज मेरे पास नहीं है, वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है मेरे पास। तो कल परसों के शूट की बात है तो हमें गैलेस चाहिए था, तो एक बच्चे के पास था गैलेस, एक के पास नहीं था। मैंने कहा यार गैलेस खरीद कर आएंगे पर लेकर आते हैं, तो देखो गैलेस आ गए मेरे पास। तो ये सारे गिफ्ट हैं नीतू की तरफ से। सबसे पहले दिखा देती हूँ कपड़े, इनको नहीं खोलने की जरूरत नहीं है। वाओ, कितनी क्यूट सी शर्ट है, साथ में गैलेस वाली व्हाइट कलर की पैंट्स है, और बहुत प्यारा सेट लग रहा है। ऐसा सेम सेट ना पापा ने चीकू को भी लेके दिया था कुछ टाइम पहले। और नेक्स्ट है एक ये वाला सेट, व्हाइट कलर की शर्ट है और नीचे पैंट्स है, तो ये हमारे दोनों लड़कों के सेट हो गए। और तूबा के लिए लेकर आई है नीतू बहुत ही प्यारी फ्रॉक। वाओ, कितनी प्यारी फ्रॉक है, बहुत सुंदर है। नीतू ने बहुत पहले भी ना तुबा को बहुत सारी सारी फ्रॉक दी थी, तो हम सारी पहनाते हैं और मुझे बड़ी प्यारी लगी है, ऐसे दिखा देती हूं। अब ये मुझे पहना के दिखा रही है कि मुझ पे कैसे लगी। इसका तो क्रॉप टॉप बन जाएगा, थोड़ी घोड़ी लाल लगाम हो गया। तो नेक्स्ट गिफ्ट है नीतू का, थोड़ा लंबा सा गिफ्ट है। अरे वाओ, तुबा के लिए बहुत प्यारी डॉल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तुबा के लिए बहुत प्यारी बार्बी डॉल आ गई। और हमारे पास ना यही था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुबा के पास डॉल कम थी, ज्यादातर टॉयज ना चीकू के जो पुराने टॉयज होते हैं ना उन्हीं से बच्चों को खेलने देते हैं। पर अभी क्या बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी बड़े प्यारे टॉय आ रहे हैं, तो तूबा के लिए बहुत सुंदर डॉल है। रिमोट कंट्रोल गाड़ी, तो ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी है स्पेशली चीकू के लिए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। चीकू आपके लिए। और यहाँ पे मिठाई और खाने पीने का सामान भी था तो ये उधर रखा। और उसके बाद है ये वाला गिफ्ट, चेक करते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भी कुछ खेलने का है, बच्चों का पजल है शायद, बच्चों के लिए है। ये भी चीकू के लिए एनिमल 4-in-1 पजल, ये भी चीकू आपके लिए। चीकू बहुत ज्यादा खुश हो गया है कि मेरे को भी गिफ्ट आए हैं। अब ये खोलते हैं। तो ये है बच्चों, तीनों बच्चों के लिए बेबलेट, और ये चीकू के लिए नहीं है। नहीं, पूरी पूरी। अरे हमारी पार्टी में जो ऐसे 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 घूम रहा था ना, वही हमारे पास आ गया। वो पता कल क्या हुआ, जैसे ना पहले वो हल्का घूम रहा है, तूबा को लेकर डांस करने आ रही, तूबा ने उस हल्के को देखो, जैसे तूबा ने हल्को देखा ना तूबा, उसके बाद मेरे को लगा शायद ना सिर्फ तूबा डर रही है, बाकी बच्चे नहीं डरेंगे। मैं अयान को लेके, अयान उसको देख के कितना खुश हुआ, जैद को लेके जैद डर गया बच्चों का। तो गाइस ये सारे गिफ्ट है मिट्टू की तरफ से, और मैं कल मिट्टू को पहली बार मिली थी, मुझे इतना अच्छा लगा ना। थैंक यू सो मच मिट्टू फॉर द लवली गिफ्ट। अनबॉक्सिंग करती हूं स्पेशली ना, यहां पे लिखा हुआ है फॉर जैद, फॉर अयान, फॉर तूबा, फॉर तूबा, फॉर थ्री टू थी थुआ, मिट्टू लिखा है। अच्छा, मिट्टू लिखा है, पर मिट्टू है, ठीक है। चलो
स्टार्ट करते भाई। थीथुआ मतलब थीथुआ कौन है? इसको देख के ऐसा लग रहा है लगी है बच्चों का जो हमें चाहिए था। तो मीठू अगली बार बच्चे को बर्थडे पे आओ तो दो लगे और ले आना। एक काम करेंगे इस बार 26 तारीख को हमें क्या क्या चाहिए ना मैं हर ब्लॉग में बताती रहूंगी, तो गाइस आप सुन के ले आना। इसके अंदर दो थे, इसके अंदर कपड़े हैं। अच्छा मीठू ने मुझे फोन करके साइज पूछा था तो मैंने उसे बोला था एक नंबर दो नंबर। हाँ बिल्कुल परफेक्ट साइज लेके आई लड़की। और ये आयान और जैद के कपड़े हैं। अच्छा ये जैद के लिए दोनों? हाँ। अच्छा दो दो जोड़ी कपड़े लेके आई है लड़की, आयान के लिए भी दो जैद के लिए भी दो। ये आयान के और यहाँ पे लिखा हुआ तूबा, तो ये तूबा के होंगे। तो भाई सेम कपड़े दोनों भाइयों के लिए सेम है, कलर डिफरेंट है। मम्मा ये मिठू लिखा हुआ चाकू देना बेटा। तो गाइस ये वाला है तूबा के लिए, क्योंकि बाहर लिखा था तूबा, नहीं भी लिखा तब भी मुझे पता चल जाता। और मैंने बाकी कपड़े नहीं खोले पर ये खोले, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कियों के कपड़े देखना ज्यादा पसंद है। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर चॉइस है। कितनी प्यारी क्वालिटी है, बहुत अच्छा है मिट्टू, बहुत सुंदर दिखता है। थैंक यू सो मच एंड वन मोर। वाओ ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और पायल के लिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो काम करेंगे अब आपको कल ही पहना देंगे। तो नेक्स्ट गिफ्ट है ये भी मिट्टू का, इसे भी खोल लेते हैं फटाफट से। अच्छा ये कोई टॉय है? ये मुझे और नहीं, अरे सैंडल है हमारे दुबलों के लिए पिंक कलर की। अच्छा अब एक सबसे बड़ा गिफ्ट और जो हमें चाहिए था, क्योंकि हम पैकिंग से ही पता लगा लेते हैं कि अंदर डब्बे के अंदर क्या होगा, तो ये है लगेज फॉर जैद, क्योंकि गोलू हमेशा थैलो में लिपका लिपका के उसका सामान। ये तो पिंक है, कोई बात नहीं, सुबह का हुआ, सुबह का हो गया। ये बहुत सुंदर लगे थे मुझे ये वाला लगे, सेम चाहिए था ये सेम लगे। तो गाइस पता नहीं मेरे साथ, मैंने बताया मेरे होता है नजर ना लगे, मुझे भी मुझे सेम ये लगे चाहिए था। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे ना थोड़े दिन पहले ये लगेज देखा था, मैं सोच रहा ये लगेज मंगवाऊंगी मैं बच्चों के लिए, बच्चों को कहीं लेके जाना होता है ना बड़ी दिक्कत आती है, तो यही लगेज चाहिए था, ये लगेज मिल गया। सुनो मैंने अभी 5 दिन पहले ना ये लगेज इंस्टाग्राम पे देखा था, मैंने मन में सोचा कि मुझे लगेज लेना है, बट मैं ले नहीं पाई, भूल गई ऑटोमेटिकली आ गया, पर ये बात किसी को बताई नहीं मैंने मन में। तो भाई यूनिवर्स सुनता कि अब यूनिवर्स से मांग के तो देखो, चाहे वो कुछ भी चीज हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही होगा। ठीक है यूनिवर्स से कुछ और भी मांग के देखो। क्या वो ऐसे थोड़ी बताऊंगी, जब वो पूरा हो जाएगा तब बताऊंगी। लो मेरा तो पूरा हो जाता है, ये साथ में रखा है। हाँ पिंक कलर का बैग है, ये सारे कपड़े है और ये यूज है, और ये मिठू ने दी। टैलेंटेड लड़की है भाई, बहुत टैलेंटेड लड़की, नेचर बहुत अच्छा है। तो भाई अभी का जो गिफ्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, क्योंकि सारे गिफ्ट मजेदार है ये मत समझना कोई नहीं, पर ये वाला मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसमें ना बच्चे शैतानी करेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे। तो ये गिफ्ट भेजा है BMS किड्स अपना जलंधर से, तो अनबॉक्सिंग कर देते हैं इसकी। ये पता है कब की बात है, ये अभी अजमेर की बात है। जैद ना गाड़ी में बैठा था, तो मैंने ब्लॉग में बोला था, मैंने कहा कि ना गाइस अभी ये टाइम आ चुका है कि गाड़ी में और बाइक में बैठ रहा है, तो सेम गाड़ी आ गई। ये गिफ्ट है निशु का, उधर ये गिफ्ट है निशु की तरफ से। तो भाई निशु हमारी टीम का एक बहुत ही वफादार मेंबर है, जिसका सुबह सुबह हार्ट टूटा है। फ्रॉम निशु। तो भाई इसको देख के अंदाजा लगा ही सकते हो, ये भी एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है, इसमें बैठ के बच्चे घूमेंगे और खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं बैठेंगे, बच्चे इसको पकड़ के चलने वाले हैं ना, तो इस गाड़ी के सपोर्ट से बच्चा चलना स्टार्ट करेंगे। बहुत प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू निशु भैया। तो भाई ये हमारे मैनेजर साहब का गिफ्ट है, मैनेजर भैया का एकदम चमकते सितारों की तरह। मैं कह रही हैप्पी बर्थडे जैद, किसने दी है? धीरज गुप्ता। यार मुझे ऐसा लगता है हमें ना ये छोटे छोटे फ्लैट छोड़ के ना बड़ा सा फार्म हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, जहाँ ये बच्चे अपनी गाड़ियाँ चला पाए। गुड्डू मतलब इतने सारे गिफ्ट, इतनी सारी गाड़ियाँ, सबके गिफ्ट ना एक नंबर है, सबने इतने प्यार से अलग अलग चीजें दी है, मतलब जो हमें लेना था अभी फिलहाल, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो वो सारी चीजें आती गई। और हमारे साथ गोद भराई पे भी यही हुआ था, हमें जो बच्चे होने के बाद लेना था ना वो गोद भराई पे आ गया था सारा। अभी कुछ नहीं करेगा, अभी काम करूंगी, जो चीजें रह जाएगी ना सारे जितने भी लोग हैं तू अगे बर्थडे पे दे देगा। एक तो दो मैं पहले बता देती हूँ, और चीकू के बर्थडे पे चीकू लगेज और बता दूंगा। अरे गिफ्ट कौन मांग लेते हैं, हमारी प्यार है देखो यही तो हम। अच्छा अभी आधे लोग आए नहीं है, वो सारे लोग जैद आया आयान तूबा या फिर चीकू के बर्थडे पे जरूर आना। तो भाई नेक्स्ट गिफ्ट है विजेंद्र भैया की तरफ से। ये लो भाई एक और गाड़ी आई है पकड़ के चलने वाली। ओहो सही बोलती है। तो पायल ना बिल्कुल सही है, एक अलग से ना हमें फार्म हाउस लेना पड़ेगा ताकि बच्चे अपने सारे टॉयज एंजॉय कर सके। अभी तो एक ही बच्चे का बर्थडे आया है, 3 बच्चों के बर्थडे बाकी है। ले लो फार्म हाउस, ले रहे हो बच्चों के लिए टॉयज के लिए, रेंट पे ले लो। तुम रेंट पे नहीं खरीदेंगे। तो भाई नेक्स्ट गिफ्ट है हमारे टिंकू भैया की तरफ से। भैया आप आगे आ जाओ जरा। मैं आ गया। क्या है इसके अंदर बताओ? ले लो, वो तो मुझे तो पता ही है क्या है इसमें, तुम बताओ। बहुत ही प्यारी चीज है। चलो ठीक है खोल के देखते।
अरे वाह, ये है चीकू के लिए रिमोट कंट्रोल गाड़ी। खासियत है क्या, जब ये गाड़ी चलती है ना हाँ तो धुआं निकलता है। मुझे पता है, मैंने भी चलाई है। चलो चीकू आपके लिए। दो गाड़ी होगी पापा मेरे पास। बेटा ये तेरी गाड़ी नहीं है, भाइयों की है। तो भाई ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये आप गैस करो किसका, ये किसका गिफ्ट है भाई? तो ये गिफ्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है निशा लांबा की तरफ से। और निशा आई देखो अपने इतने बिजी शेड्यूल में, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू निशा। तो अभी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा गाड़ी क्या है डब्बे में, एक मैं रखू फोटो देखती हूँ। अच्छा ये है साइकिल, एक साइकिल थी इनके पास, ये दूसरी साइकिल आई है। और ये वो साइकिल है जिसके पीछे ना स्टीयरिंग होता है, बिठा के पीछे स्टीयरिंग में चलाते हैं, पता है इसको। ठीक है भाई, आपसे बच्चे भारी रहेंगे, कभी अपनी गाड़ी में घूमेंगे कभी अपनी साइकिल। तो भाई बहुत ही प्यारी सी साइकिल है। अरे वाह कितनी प्यारी है, इसके पीछे स्टीयरिंग होता है, नहीं होता क्या? नहीं ऐसी है। कोई पता नहीं, पर अच्छी लग रही है, बच्चे बैठ के ऐसे घूमेंगे अपने आप चलेगी। रस्ते में ना जैसे शांति, अब मैं आ गई ना, वैसे जैद अयान इसमें बैठेंगे, तूबा तो अगर कोई आ गया तो ऐसे भी करेंगे मम्मी हट जा, फिर हम हट जाएंगे कभी हमारा पैर बैठ ना जाए। तो नेक्स्ट गिफ्ट हैगा कशिश प्रेरणा का, तो खोल दे तेरे चिट्ठिया, एदे च भी गड्डी आ, सेम गड्डी है देखो। तो प्रेरणा जी की और भी गिफ्ट्स हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे मैं खोलती रहूंगी। और ये मेरे नाखून लगे हुए यार, जिनको खोलियो हेल्प करियो यार। बाजी ने तो छोटे लगवाए थे मेरे, लंबे लंबे देखो। मैं भी बैठ सकते हैं अभी, चाकू चाकू चाहिए हमें, चाकू ले आओ कर दे, इधर ना थोड़ा ना होगा चाकू, देखता हूं यही टूटगी टूटगी, वो ले गया चाकू ले, एक पहले इसको तो खोल दे लेना, पहले इसको तो खोल के, इसमें तो मैं भी बैठ सकता हूं, इतनी बड़ी है तो। पर बाहर तो कुछ और दिखाया था। डॉक्टर नूपुर एंड डॉक्टर जितेंद्र, जिन्होंने अयान जैतुबा को हमारे हाथों में दिया। तो गाइस ये भी गड्डी है, तूबा लग रही है, अरे किन्नी सोनिया, अरे बिल्ला बना बिल्ला, ये भी सैंपल करनी पड़ी है। तो गाइस ये चारों गिफ्ट है धैर्य भैया के, और धैर्य भैया लेकर आए इतने बड़े बड़े गिफ्ट। जो भैया लेकर आए थे ना, तो मैंने पहले बोला, मैंने कहा भैया इतने बड़े गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? तो चीकू 1 2 3 4 चलो ओपन करो। तो भाई ये भी कुछ साइकिल है, स्कूटर या साइकिल है, इसको ना पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा, वैसे हमने पहले किया था। तो किसने दिया ये? धैर्य भैया ने चार दिए ना, वही खोले हैं सारे। थोड़ा हल्का हल्का सबको लग रहा है। ओ बॉल, ये है चारों बच्चों के लिए। वाओ ये तो हमें चाहिए था। गोलू ये चीकू पापा बोले थे ना उनके लिए, टेंट सा बना दो उसमें बॉल डाल दो खेलेंगे, वही है। ये इनके कमरे में छोड़ दो, ये इनके कमरे में छोड़ेंगे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें बॉल भी है। चलो गाड़ी से अलग कुछ है। हाँ बहुत गाड़ी आ गई, बहुत गाड़ी। हाँ बेटा आधी गाड़ी बेचेंगे। चलो ओ वन मोर गाड़ी, नई गाड़ी आई नहीं होगा बेटा, क्या कर सकते हैं प्यार को बटे। अरे ये तो सही है, ये तो सही है, दो बच्चे बैठ जाएंगे जैसे कभी अयान ये चीकू के पापा चीकू के लिए भी लाए थे। चीकू पापा लगता है बैठने के लिए गए हैं। भाई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ये मजबूत होती है, इस पे कोई भी बैठ सकता है। पापा इसको मैं भी बैठ सकता हूं। चला बस प्यार से, बस इतना थोड़ा 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 थोड़ा। भाई थैंक यू सो मच, ये तो मुझे लग रहा है मेरे लिए था। तो ये है धैर्य चाचू का फोर्थ गिफ्ट, और चीकू कह रहे मम्मी ये भी हल्का हल्का लग रहा है, तो मुझे लग रहा है ये भी कोई गाड़ी लग रही है, ऐसे अंदाजा लग रहा है। अच्छे बहुत प्यारा गिफ्ट है, थैंक यू धैर्य भैया और मैम, आप आए और इतना प्यारा गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा लगा। अब अपना जितने भी लोग हैं जिन्होंने गिफ्ट दिए हैं, तो जब बच्चों को यूज करते देखेंगे ना ब्लॉग में, तो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे गिफ्ट बच्चे यूज कर रहे हैं। एक साथ दो हैं, कैसे दो हैं? दो ज्वाइंट हो गए भाभी, दोनों बैठ सकते हैं। इनका कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो इसलिए अब हम इनको खोलते हैं। और जिनका भी है वो हमें कमेंट में बता देना किसने दिया। गुप्त दान और साइकिल।
साइकिल है, साइकिल इसको बनाना पड़ेगा अभी, तो हम इसको पैक करके रखते हैं। हाँ तो थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताना कि आपने दिया है, बाकी हम ब्लॉग में देखते हैं किसने दिया है। हाजी को देख इसका है नाम पढ़ना, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? लिखा नहीं, लिखा नहीं। तो भाई ये वाला गिफ्ट है हमारी बहुत ही उमदा एक्टर है पंजाब की, पूनम जी ने दिया है, तो थोड़ा अनबॉक्सिंग कर देते हैं हम खुद अपने हाथों से। तो भाई बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट है, थैंक यू सो मच पूनम। और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे इससे, क्योंकि अभी इसमें रेस देने की जरूरत है, जब 3-4 साल के हो जाएंगे। बाकी हम बिठाएंगे उनको, और चीकू को एक बार बिठा कर चलवा देते हैं। पार्ले पार्ले आगे 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 छू जाती है भाई, ये जब बच्चे 2-3 साल के समझदार हो जाएंगे ना तब चला पाएंगे। उससे पहले चीकू ही हाँ तोड़ देगा, पर इसको ना संभाल के रख लेंगे। तो चीकू ये है भाई हमारी छोटी बहन का गिफ्ट, और इसको शर्म आ रही है कि मेरा गिफ्ट मत खोलो कि छोटा है। तो भाई सबका प्यार होता है, गिफ्ट छोटे बड़े नहीं होते, मैं आपको बता देता हूँ। बस हम छोटे बड़े इसलिए बोल देते हैं कि वो डब्बा छोटा है और वो बड़ा है, बाकी अंदर से सबको दिल से रिस्पेक्ट है। तो ये नहीं कि उसने ये दिया उसने वो दिया, जो आए जिन्होंने टाइम दिया वो हमारे लिए बहुत खास है। बहुत ही क्यूट सा कुछ है, गुड्डा सा, वाओ टॉय है, बहुत सुंदर सा। अरे वाह, सेट करना पड़ेगा ये तो, ये तो आयान ज्यादा है भाई। अरे ये चलता है गुड्डू, गर्दन उल्टी जोड़ दी। अरे इसकी कैप तो बनाओ। चलेंगे तो गाइस, अभी पीछे इतने सारे गिफ्ट और भी रखे हैं ना, सबके गिफ्ट अनबॉक्स करूंगी। तुझे याद है किसने बाइक दी थी मेरे को? एक बाइक तो पूनम जी ने बाइक लेके आई, एक बाइक कोई लेकर आया था मेरे को, क्योंकि ना देखो जब कोई गिफ्ट लेकर आ रहा था ना हम ऐसे बोल रहे थे थैंक यू सो मच, कभी कभी पकड़ नहीं पा रहे थे किसने दी है बाइक, यार याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जिसने भी दिया थैंक यू सो मच। ये भी बुलेट है, बुलेट सेम कलर है, सेम कलर सेम बुलेट, ओए दोनों के लिए सेम आ गई। मुझे लगा पूनम ने दी है दोनों। नहीं नहीं पूनम जी एक लेकर आए थे, मैंने खुद देखा था। और मेरे बच्चों के लिए दो दो, यार पाले काम करेंगे, कभी कभी ज्यादा बच्चे हो जाएंगे ना तो एक हाले में बैठ जाऊंगी मैं, असली बाइक चलाऊंगी भाई, ही चला लूंगी हैं, कभी बैठी नहीं आज तक बाइक। अच्छा जब तक ये हार्ले चला रही है तब तक मैं ये एक और दिखा देती हूँ, ये है आकांक्षा और अनूप जी की तरफ से, उनके बाकी गिफ्ट मैंने दिखा दिए थे। तो बहुत ही सुंदर सी कटोरी चम्मच और प्लेट ये दिए उन्होंने बच्चों के लिए। तो गाइस ये हमारे मिनी ब्लॉग का है और बहुत ही प्यारा सा, मैं समझ गई लगेज है, लगेज के अंदर कोई गिफ्ट है ना, क्योंकि यहाँ से पकड़ के पता लग गया। तो ये खोल देती हूँ भैया, चीकू कह रहा है मम्मा ये लगेज मुझे दो, तेरे तेरे लिए आया, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीकू के लिए है, ये सबके लिए यूज हो रहा है, छोटा लगेज ना मेरे को। अरे डॉक्टर खेलेगा चीकू, डॉक्टर चीकू के पापा ही बचपन में डॉक्टर खेलते थे, टीचर डॉक्टर, चीकू के पापा डॉक्टर सेट भी लाते थे चीकू के लिए। अच्छा वो भी लेके आते चीकू के लिए, अरे खुल गया। तो गाइस ये जो गिफ्ट है ये हमारे केशव मिनी ब्लॉग ने दिया है, और इसमें है पूरा डॉक्टर का सेट। चीकू के पापा भी बचपन में डॉक्टर बहुत खेलते थे, उन्हें पसंद था, और चीकू के लिए भी डॉक्टर सेट लेके आते थे, इसके लिए डॉक्टर सेट, टूल्स वाला सेट, बहुत सारी चीजें लेके आते थे। हां आपके लिए स्पेशली लिए, खेल ले लो, मैं वहां रख देता हूं ना। तो भाई नेक्स्ट गिफ्ट है हमारी प्रेरणा का, प्रेरणा के और भी गिफ्ट खोले मैंने, तो ये उसका गिफ्ट रह गया था, तो ये खोल लेते हैं। बहुत ही सुंदर सी पैकिंग है, पैकिंग फाड़ने का मन नहीं कर रहा, पर जब तक फाड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा डब्बे के अंदर क्या है। तो चलो खोल देते हैं। भाई कितनी साइकिल, कितनी साइकिल, साइकिल ही साइकिल, हम सोच रहे थे साइकिल है, चीकू पापा भी साइकिल है, तो ये सारी साइकिल ना हम संभाल के रखेंगे, नीचे ले जाया करेंगे ना बच्चों को जब घुमाने, तो इन्हीं साइकिलों पे बैठा बैठा के ले जाएंगे। बुलेट पे तो अभी नहीं चला पाएंगे, बुलेट 1.5-2 साल बाद चलाएंगे, पर ये चलाएंगे वो सेम सेम है। भाई दोनों भाइयों की साइकिल आ गई है, बहन रह गई है, बहन जाएगी बुलेट पे, भाई जाएंगे साइकिल पे, ठीक है। और दो दो साल, दो क्या कितनी साइकिल है भाई, अपने साथ अपने सारे दोस्तों को भी ले सकते हैं जिनके पास साइकिल, नीचे गए ना खेलने है, सबको बुला बैठा सकते हैं, आओ बच्चों बैठो हम सारे घूमते हैं। तो गाइज ये गिफ्ट है हमारी भाभी की तरफ से, हमारी पड़ोसन है प्यारी सी, हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है तो भाभी जरूर आती है, और भाभी ने बहुत प्यारी पिनिया भी बनाकर दी थी, तो वही वाली भाभी है ये, है फंक्शन फेस्टिवल हमारे वो गणपति आए थे तब भी आए थे। अब चलो भाई गिफ्ट को अनबॉक्स कर लेते हैं। साइकिल भाई ये भी साइकिल है, मतलब तीनों बच्चों के लिए साइकिल आ गई है। मैं अभी बोल रही थी कि एक बुलेट पे घूमेगी, नहीं वो भी साइकिल पे ही घूमेगी, साइकिल की उम्र में साइकिल ही चलाएगी। तो भाई ये गिफ्ट है हमारा, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है डॉक्टर मोहित की तरफ से, और मैं अभी थोड़े दिन पहले गई थी अयान को दिखाने के लिए, तब मैंने इन्वाइट किया था उनको, तो वो आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू डॉक्टर मोहित विद फैमिली। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये लोग खोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, तो मैंने कहा थोड़ा रुको पहले हम बोल लेते हैं फिर खोल लेते हैं।
भाई ये है छोटे छोटे से प्यारे से टॉय बैट टॉम एंड जेरी बैटमैन और टॉम एंड जेरी ठीक है टॉम एंड जेरी एंड बैटमैन और नीचे एक और गिफ्ट है तो वो ओपन कर लेते हैं। वाओ कितना प्यारा इन्होंने दिया है रैंप रेसर अच्छा है बच्चों को ना अब ये टाइम है ना एक्टिविटीज नोट करने का है तो बस से गाड़ी चलेगी और बच्चे नोट करेंगे बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। एक और डॉक्टर मोहित का गिफ्ट है मैं वो खोल देती हूँ। तो ये है बच्चों के लिए सोफा बॉल पूल है बॉल वाला पूल है बाबू अच्छा मुझे लगा अंदर से खोल के तो देखो कई बार अंदर कुछ और होता है से ये पैकिंग भैया वैसे है ना खोल के फिर खराब हो जाएगी। आप फ्रंट देख लेना सेट 50 पूल 50 बॉल सेट और ये बहुत ही अच्छा है तो ये भी रख देते हैं। तो गाइस इसके साथ साथ ना कीनू बुआ जो है बच्चों की बुआ उन्होंने भी बड़ा प्यारा गिफ्ट दिया था मैंने दिखा दिया था गोल्ड के नजरिए दिए थे बच्चों को और निष्ठा है निष्ठा ने जल्दबाजी में ना उसने बोला दीदी मुझे टाइम नहीं मिला गिफ्ट लेने का तो वो शगुन का लिफाफा लेके आई थी और जाते टाइम ना मैंने अपने पर्स में रख लिया था तो निष्ठा का लिफाफा और कीनू दीदी का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। और भाई स्वाति आई थी बच्चों के बर्थडे पे स्वाति बहुत ही प्यारी है हमारे बच्चों के बर्थडे पे आई जैद के लिए केक लेके आई जैद के लिए चांदी के कड़े लेके आई बहुत ही सुंदर जो कि मैंने आते उसको पिना दिए थे। जब जैद का 12 बजे का केक कट हुआ था ना तब स्वाति आई कल नहीं आई वो कल नहीं आई मेरा कोई मीटिंग है मेरा बट अच्छा लगा 12 बजे आई केक लेके। तो ये वाला जो गिफ्ट है ना ये भी शायद नीतू का ही है वो बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडेड पर्स यूज करती है तो उसने तुबा को फ्रॉक के साथ ना पोस्ट भी दिया है और उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ तुबा यूज करेगी नहीं इसे मैं भी यूज कर सकती हूँ और साथ में भाई बिग तुबा और साथ में भाई फ्रॉक भी है और बहुत प्यारे गिफ्ट लेके आई है नीतू बहुत अच्छा लगा मुझे वाओ सो क्यूट बहुत प्यारी फ्रॉक है और सच में दोनों फ्रॉक बहुत सुंदर है ऐसी फ्रॉक। और पता है क्या हमारे साथ क्या हो रहा था हम ना जितनी भी फ्रॉक सुबह के लेके आते हैं ना सारी भारी भारी थी पायल उनको पिनाने में दिक्कत आती है तो ये फ्रॉक बिल्कुल ठीक है और ये दोनों भाइयों के लिए अच्छा वेस्ट कोट वाओ और ये लेके आई है ये क्या ये भी खोल के दिखाती हूँ कुर्ता पजामा बहुत अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट साइज आई और सच में कुर्ते पजामे बच्चों के पास खत्म होने वाले थे छोटे साइज सारे पड़े थे तो हम सोच ही रहे थे कि कुर्ते पजामे ले लेते हैं बट आ गया। तो गाइस ये है किसी ने गिफ्ट दिया कमेंट में बता देना किसने दिया ये अलग ये मेरे हिसाब से कल दोपहर में बच्चों के साथ खेल रहे थे उनकी बेटी उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को आप एक काम करना अपने कमेंट में नाम बता देना मुझे अपना नाम याद नहीं है। तो एक बहुत ही प्यारा सा फूल है और इसमें चीकू खा आया आपके लिए फॉर यू नेक्स्ट गिफ्ट खोल लेते हैं। और इसके साथ साथ ना तीन बच्चों के लिए ड्रेस भी आई थी दो अयान तुबा अयान और जैद की सेम और तुबा के लिए फ्रॉक। तो भाई बच्चों के लिए बॉल सेट भी बहुत सारे हैं ये संभाल के रख देंगे जैसे कभी एक नेट खराब हो जाए ना फिर हम ओपन क्या करेंगे ये नहीं कि एक साथ सारे ओपन कर ले मैं और पायल ना घर के सेटिंग करेंगे कि एक जगह सारे गिफ्ट रखेंगे कोई भी गिफ्ट चाहिए हो तभी निकाला करेंगे। तो भाई कल की पार्टी बहुत ज्यादा मजेदार थी सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अगली बार मैंने ये सोच लिया कि जब भी हम पार्टी रखेंगे ना तो किसी वेन्यू पे रखेंगे ताकि हम पूरा इंजॉय कर सके क्योंकि यहाँ पे अपनी सोसाइटी में ना एक लिमिट होती है टाइम लिमिट होती है 9:30 बजे के बाद हम डीजे नहीं प्ले कर सकते तो अगली बार ध्यान रखूंगी। और भाई होस्ट बनना ना आसान नहीं है कल मैंने और पायल ने हर एक गेस्ट को पर्सनली अटेंड करा सबको केक खिलाया और पूरी पार्टी के अंदर पूरी पार्टी में मैं और पायल कुछ भी नहीं खा पाए हैं। पायल कितना कुछ था टेस्टी टेस्टी पर हम दोनों ने खाना नहीं खा पाया। मिठाई का डब्बा खोल रहा भैया का अभी ना भैया अच्छा तुम क्या पता कौन से भैया ये सारे गिफ्ट उनके हैं ये सारे गिफ्ट उनके हैं गाइस। इसमें एक बहुत सुंदर सा बैग है फिर एक ये पुपड़ी है पुपड़ी और थी कहा है तेरी वो और एक पजल है एक और पजल है एक और पजल है एक और पजल है एक और पजल है तेरी पजल दी भैया कि मैं ही पजल हो गई ये है और दो छोटे से पुपड़ू से ये तो मेरे लिए बच्चों की अरे मम्मी पुपड़ी नहीं है ये ना ऐसे ऐसे मतलब कुछ शाम को डिप्रेशन होंगे ऐसे ऐसे करो फिर डिप्रेशन इसको डिप्रेशन चीकू को डिप्रेशन और यार तुबा को शुक्र नहीं दिया हमने उनको डिप्रेशन डिप्रेशन में चले जाते। चलो ये हो गया ये क्या ये अभिनव भैया लेते हैं। तो गाइज बच्चों के प्रेस करने के लिए ना प्रेस नहीं थी हमारे पास हम कपड़े नीचे से प्रेस करवा के लाते थे तो इतने इतने से कपड़ों के भी पूरे पैसे होते हैं तो मम्मी ने हमें प्रेस दिए कि घर में अपने घर में प्रेस करो फालतू के पैसे वेस्ट मत करो और ये सबसे अलग गिफ्ट है। और चीकू के पापा के लिए भी चौकी का टावल लेके आई स्पेशली बोल के गई है कि गोलू संदीप का टावल है ताकि मैं और पाल का यूज ना कर ले। तो भाई ये वाला गिफ्ट है सगुन की तरफ से एक तो गोल्ड का ब्रेसलेट था और भी छोटे छोटे गिफ्ट थे तो मैंने सबके गिफ्ट दिखाए तो उसके गिफ्ट भी भाई जरूर दिखाऊंगी। तो वो कितने वो मेरे को बोल रही थी कि दीदी
मैं ना बहुत प्यार से तूबा के लिए चप्पल लेके आई हूँ और अयान और जैद के लिए क्रॉक्स लेके आई हूँ। तो ये है अयान और जैद की सेम क्रॉक्स और तूबो की चप्पल इतनी प्यारी है, देखियो पीछे से इलास्टिक भी ताकि हमारी बच्ची गिर ना जाए। और ये तूबो के लिए 3 बिबलाई है, ये अयान के लिए 3 बिब लेके आई है और ये लेके आई है जैद के लिए 3 बिब, क्योंकि उसको पता है वो हमारे ब्लॉग देखती है कि इनके घर में बिब की कमी है। और दीदी खुश हो गई, यार दीदी सही किया बिबा कर है? और ये सब ये गिफ्ट आपके लिए, ये गिफ्ट आपके लिए, आपको संभाल लें। तो भाई ये गिफ्ट है हमारी दीक्षा के, दीक्षा दिन में आ गई थी, मैंने उसको बोला था शाम को आइए, लेकिन उसके हस्बैंड का खुद का बर्थडे था तो वो नहीं आ पाई, पर वो गिफ्ट दे गई थी तो गिफ्ट मैं खोल देती फटाफट। क्या क्या लेके गई खुद? अरे वाह गोलू देख, दीक्षा क्या देखी गई है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज आ गई। पाए हम लोग ट्रेवल करते हैं ना, अरे वाह पाए, तो पानी गर्म दूध गर्म करने के लिए गाड़ी देखी गई, वो भी कीको का। पिछली बार उसने सीट दी थी वो यूज नहीं करी, अभी तक गाड़ी में लगवा लो उसे। यार मैं कहूंगी मैं ही बैठ के जाऊंगी उसमें, बस मैं भी बैठ के आऊंगी। अच्छा उसके साथ दीक्षा ने ये दिया है, मे बी तूबा के लिए, मे बी क्या तो है तूबा के लिए, मे बी क्या मिलता है कुछ लोग इससे ऐसा में अगर मिलेगा तो मैं सोच रही बनवा लेती हूँ अपने लिए, कितनी अच्छी लगूंगी मैं छोटी सी निक्कर पहन के। उसको बोल देती हूँ सेम तेरे लिए। हाँ बहुत प्यारा है। तो एक और गिफ्ट है उसका, ये भी खोल लेती हूँ। ये हमारे दोनों लिटिल जेम्स के लिए है, जैद और अयान के लिए, खोल के दिखा दो। मम्मा इन सबको ना जो भी कूड़ा है ना कि हम गाय वाय ना खाए तो बिल्कुल टेप लगा के अब फेंकाना कूड़े में। बाल बहुत प्यारे। तो ये है हमारे जैद के लिए, अभी जाएंगे हम कहीं घूमने तो पहना देंगे, और ये है हमारे अयान के लिए, मतलब दोनों में से कोई भी पहन सकता है। लो भाई ये बड़ा वाला पायल ने इसलिए बोला जैद के लिए क्योंकि वो एक साइज बड़ा पहनता है, जैसे मैं एक साइज बड़ा पहनती हूँ, पायल एक साइज छोटा पहनती है। तो ये वाले 3 गिफ्ट है प्रेरणा के, प्रेरणा का और पहले इतना बड़ा गिफ्ट था, उसके बाद ये 3 गिफ्ट है। तो एक जोड़ी ये कपड़े हैं, एक जोड़ी ये है, और एक तूबा के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो प्रेरणा लाई है। भाभी थक गए, ये कौन है? हमारा लास्ट गिफ्ट बचा है ऋषिका दीदी, ऋषिका दीदी। ओ मैंने ना कल मैंने देखा था यूट्यूब पे, मेरे को चाहिए थी गाड़ी, मेरे को मिली थी अपने आप। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट भेजे, सबसे दिल से शुक्रिया। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि 10 मिलियन कंप्लीट होने वाले, एक और डायमंड बटन आने वाला, तो सब्सक्राइब कर दो।